तो वेलकम बैक। ये एपिसोड में हम फाइल अपलोड डिस्कस करने वाले हैं। जब भी कोई एप्लीकेशन पे हम काम करते हैं या फिर मशीन टेस्ट के लिए अपेयर होते हैं, तो फाइल अपलोड एक कॉमन सिनेरियो है जो हमेशा यूजफुल होता है। जब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं तब तो ये मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है। एक तो बेसिक क्रॉड ऑपरेशन पूछा जाएगा या फिर फाइल अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। अब फाइल अपलोड मतलब क्या है, राइट? फाइल अपलोड मतलब जैसे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट लेते हैं, ड्रॉप डाउन लेते हैं, तो ये जो कंट्रोल्स है मेरे, वहां पे क्या करता है, यूजर वैल्यू एंटर करता है या फिर सिलेक्ट, अगर है ड्रॉप डाउन तो यूजर वैल्यू सिलेक्ट करता है, राइट? बट अगर फाइल अपलोड करना है मतलब क्या, राइट? सो फाइल अपलोड करना है मतलब मेरे लोकल जो मेरा मशीन है जहां से मैंने एप्लीकेशन एक्सेस किया हूँ, वो पर्टिकुलर किसी भी फोल्डर में से मुझे पर्टिकुलर फाइल सिलेक्ट करना है और वो मुझे अपलोड करना है। अब अपलोड करना है बट कहाँ पे करना है? हम अपलोड करते हैं सर्वर के पास, राइट? एंगुलर में अपलोड नहीं करते हम। एंगुलर अपना सिर्फ फ्रंट एंड साइड टेक्नोलॉजी है। फ्रंट एंड साइड में हम फाइल के साथ कुछ भी मैनिपुलेशन कर नहीं सकते, हमें डिपेंड रहना होता है एपीआई के पास। हम जब भी फाइल अपलोड करना है हमें लगती है एपीआई। विदाउट एपीआई फाइल अपलोड पॉसिबल ही नहीं है, ओके? हम फाइल अपलोड विथ एपीआई ही करते हैं। एपीआई नॉर्मली बैकएंड डेवलपर हमें एपीआई प्रोवाइड करता है, हम वो एपीआई को हमारी फाइल सेंड करते हैं और वो तब जाके उसके फोल्डर में या फिर S3 बकेट में या अज्योर में, जहां भी उसका लोकेशन होगा वहां पे वो स्टोर करता है, राइट? अब जब वो स्टोर करता है तो रिटर्न में हमें नॉर्मली एक यूनिक नेम मिलता है। अब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ये चीज वैरी होती है। हमने जो फाइल का नेम दिया है वो ही हमें रिटर्न मिलता है, या फिर एपीआई साइड वाले हमने फाइल अपलोड किया बट वो फाइल को जब सेव करते हैं एपीआई साइड वाले, तो उसको कुछ यूनिक नाम देते हैं और वो नाम अपने को रिटर्न मिलता है एपीआई के साथ। फिर जहां पे भी अपने को वो अपलोडेड फाइल दिखाना है, वो नाम के साथ अपन दिखाते हैं नॉर्मली, राइट? अब फाइल अपलोड के साथ और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है? अब फाइल के साथ अपने को फाइल का चेक, नॉर्मली किसी एप्लीकेशन में बोला जाता है कि ओनली वी नीड PNG और JPEG और PDF, राइट? या फिर ओनली डॉक फाइल चाहिए, जैसे जो जो फाइल के टाइप्स है वो। सो फ्रंट एंड साइड पे हमें ये वैलिडेशन लगाना पड़ता है कि जो मैंने फाइल सिलेक्ट किया है वो उसका टाइप PNG है क्या, JPG है क्या, PDF है क्या और डॉक है क्या। जो भी आपका बिजनेस का रिक्वायरमेंट होगा या फिर जो भी आपको बोला गया होगा कि आपको सिर्फ PNG फाइल अलाउ करना है, राइट? सो ये एक वैलिडेशन हो गया। उसके बाद और एक वैलिडेशन रहता है साइज का, कि फाइल कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 MB और 30 KB और वॉट एवर इट कैन बी, राइट? सो फाइल साइज तीसरा पॉइंट हो गया। जो फाइल मैंने अपलोड किया, राइट, उसे मुझे कहीं ना कहीं दिखाना भी पड़ता है ना। जैसे कंसिडर करो फेसबुक, फेसबुक में हम अपनी प्रोफाइल इमेज अपलोड करते हैं तो वो प्रोफाइल इमेज अपनी वहां पे जहाँ पे लॉगआउट बटन का प्रोफाइल लॉग्ड इन का इमेज रहता है वहां पे दिखता है, राइट? सो मैंने अपलोड तो कर दिया बट वो दिखता कहाँ पे, वहां पे। सो ये दिखाते कैसे है, हाउ टू अपलोडेड फाइल, राइट? सो ये तीन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ नॉर्मल जो फाइल अपलोड करते हैं, हाउ टू अपलोड फाइल। सो ये चार पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले फाइल अपलोड करना है मुझे, राइट? सो मुझे लगेगा मेरा फाइल पिकर, राइट? सो फाइल पिकर कैसे लेते हैं, जैसे ये मेरा रो है और कॉलम लिया मैंने, यहाँ पे मुझे सिर्फ इनपुट लेना है, टाइप टेक्स्ट की जगह मुझे सिंपली लेना है फाइल, राइट? सो मुझे ये फाइल पिकर मिल जाता है। सो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मेरा फाइल सिलेक्ट का डायलॉग ओपन होता है। फिर मैं जो भी फोल्डर में जाता हूँ मुझे वो मैं सिलेक्ट कर पाता हूँ, ओके? अब जब मैं फाइल सिलेक्ट करता हूँ, राइट, तो मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं फाइल सिलेक्ट करूंगा मुझे ये जो सिलेक्टेड फाइल रहेगी वो मुझे एपीआई को अपलोड करनी है, राइट? अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं डायरेक्ट फाइल के चेंज पे भी इवेंट लिख सकता हूँ। सो फाइल चेंज इवेंट फंक्शन कॉल करता हूँ, अपलोड इमेज राउंड ब्रैकेट और यहाँ पे भेजना है मुझे डॉलर इवेंट, ठीक है? मैंने एक फंक्शन लिखा चेंज पे और उसको डॉलर इवेंट ये इवेंट भेजा है। सो अभी ये फंक्शन बनाते हैं, अपलोड, और ये फंक्शन अब HTML से कॉल कर रहे हैं फाइल के चेंज पे, तो अपन इवेंट भेज रहे हैं। सो इस इवेंट को कैच भी करना पड़ेगा। सो इवेंट कोलन एनी, राइट? अब इस फंक्शन में मुझे एपीआई कॉल करना है। सो मेरे पास एक मेरा खुद का एपीआई है, वो मैं यूज करूंगा। ये मेरा एपीआई है,
बट एपीआई कॉल करना है तो मुझे एचटीटीपी का ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट? सो मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर प्राइवेट एचटीटीपी कोलन एचटीटीपी क्लाइंट करली ब्रैकेट एंटर, यहाँ पे मुझे एपीआई कॉल करना है, सो दिस डॉट एचटीटीपी डॉट मेरी यूआरएल है पोस्ट टाइप की, राइट? ये मेरा यूआरएल हो गया, उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट सेंड करना है जो भी रहेगा, और उसके बाद सब्सक्राइब कॉल, ठीक है? मैं सिर्फ कोड लिख रहा हूँ, ठीक है? ये मेरा नॉर्मल एपीआई कॉल हो गया, जैसे अपन सेव या अपडेट करते हैं, तो पोस्ट के बाद यूआरएल, उसके बाद सेकंड पैरामीटर अपन नॉर्मली अपना ऑब्जेक्ट भेजते हैं, बट इस केस में मुझे क्या करना है, फाइल अपलोड करना है। तो फिलहाल मैं इस चीज को कमेंट करता हूँ, या फिर यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिखते हैं ताकि एरर निकल जाए, ठीक है? मैं यहाँ पे डिबगर लिखता हूँ। सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ कि अब ये इवेंट में क्या मिलता है अपने को। सेव ऑल, कंसोल ओपन, ठीक है? अब जब मैं फाइल सिलेक्ट करता हूँ कोई, जैसे मैं अभी ये फाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ, येलो रेड ब्लैक कुछ तो भी टेक्स्ट है मेरा, ओपन किया। सो अभी देखो इवेंट में क्या मिला मुझे, इवेंट में करंट टारगेट में मुझे पूरा फाइल मिलता है। अब ये फाइल्स में ये देखो, यहाँ पे मिला फाइल का नेम, मिला साइज, मिला टाइप, मतलब फाइल का टाइप कौन सा है वो मिला। सो जो मैंने फाइल सेलेक्ट किया ना, वो मुझे कहाँ पे मिला, देखो प्रॉपरली इवेंट के अंदर करंट टारगेट के अंदर फाइल्स, राइट? सो मुझे क्या करना है, अभी फाइल्स क्या आ रहा है, अरे आ रहा है, फिर से देखो फाइल्स क्या है, अरे है, राइट? जीरो लिस्ट पे अपना पहला फाइल है। सो मुझे क्या करना है, पहले वो डेटा निकालना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्टेंट फाइल इज इक्वल टू इवेंट डॉट, जैसे चेक करते क्या था, करंट टारगेट डॉट, करंट टारगेट के अंदर और एक ऑब्जेक्ट था उसके अंदर फाइल्स ऑफ जीरो, मुझे एक ही फाइल पहला फाइल चाहिए तो वो मैंने सिलेक्ट किया, राइट? अब मुझे ये फाइल जो है ना, जब मैं फाइल अपलोड करना है तो हमेशा नॉर्मल फाइल डायरेक्टली फाइल नहीं भेज सकते, हमें फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, राइट? फॉर्म का ऑब्जेक्ट मतलब ये, जब अपने पास एंगुलर या रिएक्ट ऐसी कुछ चीजें नहीं थी, तो जब भी हम सर्वर साइड को डेटा सेंड करते थे तो हम फॉर्म का ऑब्जेक्ट बना के डेटा सेंड करते थे। सो वो फॉर्म का ऑब्जेक्ट मतलब क्या, राइट? सो अभी मैं एक कॉन्स्टेंट बनाता हूँ, फॉर्म ओबीजे इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा मतलब जब जावा डॉट नेट जो पुरानी लैंग्वेजेस थे उसमें सर्वर साइड को जब डेटा भेजते थे तो ये काइंड ऑफ डेटा भेजते थे फ्रंट एंड साइड से, ओके? सो ये क्या किया मैंने, नथिंग बट फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इस फॉर्म के ऑब्जेक्ट में फॉर्म ऑब्जेक्ट डॉट अपेंड, राइट? अपेंड करना है, लेकिन क्या अपेंड करना है, फाइल। सो इसको दो पैरामीटर रहते हैं, ये देखो अपेंड को दो पैरामीटर है, पहला नेम और दूसरा वैल्यू। मेरा नेम क्या रहेगा, फाइल, उसके बाद वैल्यू क्या रहेगी, मेरा एक्चुअल फाइल, वो किस में होल्ड किया था मैंने, फाइल में, राइट? सो अब ये फॉर्म डेटा मुझे एपीआई को सेंड करना है। सो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, हमने अभी वैलिडेशन या कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल फाइल अपलोड करने का ट्राई कर रहे हैं। इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट की जगह मैंने फॉर्म ऑब्जेक्ट भेजा, यहाँ पे मैं डिबगर लगाता हूँ, मतलब रिस्पॉन्स आने के बाद क्या मिलता है वो चेक करते हैं। देखो ठीक है, अभी मैं फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन, ठीक है? अभी देखो, अभी मुझे फाइल में क्या मिला, पर्टिकुलर फाइल मिला जो मैंने सिलेक्ट किया वो, उसके बाद मैंने फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस फॉर्म के ऑब्जेक्ट में मैं फाइल अपेंड कर रहा हूँ, ठीक है? अभी आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा नहीं, वो इंटरनली कहीं ना कहीं जाता है, ओके? सो मैंने फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनाया फाइल, और वहाँ पे मैंने मेरा फाइल भेज दिया। अब मैं एपीआई कॉल करता हूँ, सो नेटवर्क में देखो कैसा दिखता है, मेरा नेटवर्क कॉल इन प्रोग्रेस है, रिस्पॉन्स भी आ गया, और रिस्पॉन्स में देखो मुझे क्या मिला, एक यूनिक नाम मिला कुछ तो भी, दिख रहा है मेरा यूनिक नाम मिला है रिटर्न में। अब नेटवर्क में अगर जाते हैं ना, तो नॉर्मली जब अपन
सेव या अपडेट या डिलीट करते हो तो यहाँ पे अपने को अपना ऑब्जेक्ट मिलता है, बट यहाँ पे देखो अभी क्या मिल रहा है, बाइनरी, मतलब बाइनरी डेटा भेजा है अपन ने। एंड ब्राउजर से मैंने फाइल सिलेक्ट किया, वो सर्वर को भेजा, लेकिन उसको कैसे बाइनरी, एज अ बाइनरी डेटा गया वो फॉर्म डेटा के अंदर। ओके अब फाइल तो मेरी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है और मुझे रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स क्या आया, मेरा फाइल का नेम जो भी अपलोड हुआ है वो। ओके अब मैं इसी के साथ, ये नॉर्मल फाइल अपलोड हो गया, हमने ना फाइल का साइज का चेक लगाया ना कुछ, कुछ भी नहीं लगाया। ओके अब लेट से मुझे चेक लगाना है कि सिर्फ मुझे पीएनजी इमेज अपलोड करने देना है। ओके सो अभी मैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, जैसे दूसरी फाइल अपलोड करते हैं। अब जो सिलेक्टेड फाइल है उसका चेक, मतलब टाइप कहाँ पे मिलता है, फाइल के अंदर टाइप में दिख रहा है, फाइल डॉट टाइप, अब उसी का मैं यूज करूंगा। ये फाइल मिल गया मुझे, उसके बाद इफ कंडीशन फाइल डॉट टाइप, राइट। अब मुझे लेट से पीएनजी का चेक लगाना है कि सिर्फ पीएनजी ही फाइल अपलोड होना चाहिए। सो मुझे कैसा लेना चाहिए, इमेजेस स्लैश पीएनजी, सो फाइल डॉट टाइप इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर फिर इमेज डॉट फाइल और इफ ब्लॉक। अब ये कोड जाएगा इसके अंदर, ओके सो मैंने क्या किया, चेक लगाया सिर्फ पीएनजी का। अभी ये चेक करते हैं, ऐसे आपको जो चेक लगाना है, पीडीएफ का लगाना है, जेपीजी का लगाना है, या फिर वीडियो का लगाना है, जो भी है। ओके सो लेट से मैंने फाइल सिलेक्ट किया, अभी पीडीएफ तो नहीं है मेरे पास, ये कौन सी फाइल है, प्रॉपर्टीज, ये भी पीएनजी है, ठीक है मैं टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है ओपन। अभी फाइल के अंदर मेरा टाइप क्या है, टेक्स्ट स्लैश पेन प्लेन, मतलब टेक्स्ट फाइल है। अब मैंने चेक का क्या लगाया है, सिर्फ पीएनजी का, सो वो अंदर नहीं जाएगा और बाहर जाएगा। अब ये मेरा कोड तो रन नहीं हुआ, बट यूजर को कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना। सो इस ब्लॉक में अपन अलर्ट दिखा देते कि सिंपल ओनली पीएनजी फाइल्स आर अलाउड। सो आपने कई बार सिनेरियो में ये देखा होगा कि आपको अगर गलत फाइल अपलोड किया तो आपको एरर आता है, ओनली पीएनजी फाइल्स आर अलाउड, ठीक है। सो ये क्या हो गया, हमने फाइल का चेक लगाया। ऐसे अगर पीएनजी चाहिए और जेपीजी पे चाहिए तो और लगाते जाओ, जो भी आपको लगाना है, राइट, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इफ कंडीशन लगा सकते हो। उसके बाद लेट से मुझे सिर्फ 1 MB या फिर 500 KB या 20 KB जो भी साइज है। अब इसका एक कोई फाइल देखते हैं, उसका चेक करते हैं, वेट नॉर्मली यहाँ से देखने दो मुझे, डॉक्यूमेंट्स ओके ओके ठीक है। कोई एक फाइल सिलेक्ट करते उसका साइज देखते कैसा है पहले, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, ओपन किया इसको, अब इसका साइज देखते हैं, फाइल डॉट साइज, तो ये हो गया 63। अब ये मे बी केबी में आता है, लेट्स सी, केबी यहाँ पे कंट्रोल 620 KB, ठीक है। देखो जैसे अपन ने सिलेक्ट किया था तो 6000 समथिंग कुछ तो भी मिला था, तो इसका मतलब है ये कि ये फाइल का साइज क्या है, 620 KB, मतलब 1 MB के नीचे ही है, राइट। सो लेट से हम सेव 600 KB का चेक लगाते हैं, और 600 KB ये समथिंग ऐसा मिल रहा है, लेट्स चेक कि ये क्या यूनिट है, इनपुट टाइप फाइल साइज चेक,
कर लेते, कैसा लगाते हैं चेक। अभी वो जेक्यूरी का कोड रहे या कुछ भी रहे सेम ही चलेगा। ओके ये ऐसा मतलब 2 MB हो गया। ठीक है इसके साथ चेक लगाते हैं कि ये तो मेरा PNG हो गया एंड दिस डॉट सॉरी फाइल डॉट क्या वेरिएबल में आ रहा था वो डेटा फाइल डॉट साइज ग्रेटर देन और लेस देन तो होना चाहिए तो वो ये वैल्यू उठाती 66000 कर देते जो जीरो। ठीक है अब लेट्स चेक। ठीक है अगर मैंने ये फाइल सिलेक्ट किया तो अभी ये जो फाइल का साइज है इससे कम नहीं है वो ऑब्वियसली एल्स में जाएगा। और जैसे अपन ने ओनली फाइल साइज अलाउड का चेक डाला उसी को अगर स्पेसिफिक अपने को एरर दिखाना है तो ये चेक फिर से इफ के अंदर इफ हम इसको अपोजिट में डाल देंगे। राइट सो एल्स में जाएगा ये अपना फॉर्मेट वाला और यहाँ पे जाएगा फाइल साइज शुड बी file size should be less than 600 KB. Okay. चेक करते हैं अभी प्रॉपर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। एल्स में गया ठीक है फाइल साइज वाला एरर मिला मुझे। तो मेरे दो चेक हो गए एक तो मैंने फाइल टाइप का चेक लगाया उसके बाद साइज का भी लगाया। ओके सो जो भी वैलिडेशन फ्रंट ये सेम वैलिडेशन बैक एंड साइड में भी होते हैं बट हमें दोनों साइड वैलिडेशन लगाना पड़ता है फ्रंट एंड साइड में भी और बैक एंड साइड में। जैसे हम किसी फॉर्म पे काम करते हैं तो हम वैलिडेशन दिखाते हैं राइट सो ये जो उस टाइम पे जो वैलिडेशन करते हैं वो सिर्फ फ्रंट एंड साइड नहीं रहते बैक एंड साइड भी सेम वैलिडेशन रहते क्योंकि कभी ना कभी फ्रंट एंड साइड से अगर वैलिडेशन छूट गए फिर भी मेरी API हिट हो गई तो भी मुझे वैलिडेट करना रहता है इसलिए जो वैलिडेशन है वो दोनों साइड पे रहते हैं फ्रंट एंड साइड भी और बैक एंड साइड भी। ओके सो ये मेरा फाइल अपलोड हो गया। अब अपलोडेड जो फाइल्स है ना वो मैं फिलहाल एक अरे में स्टोर करता हूँ और वही मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है मैं एक अरे क्रिएट करता हूँ अपलोडेड फाइल नेम्स कोलन स्ट्रिंग मुझे स्ट्रिंग का ही अरे मिल रहा है तो वो स्टोर करता हूँ और इस अरे पे जैसे ही मुझे रिस्पांस मिलता है ना सब्सक्राइब के अंदर मैं इस अरे में पुश करता हूँ डॉट पुश डायरेक्ट रिजल्ट में मुझे क्या मिल रहा है फाइल का नाम ही मिल रहा है तो डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे पुश करूँगा। अब ये मैं एक ये रो हो गया इसके बाजू में रो डॉट कॉल थ्री कॉल थ्री के अंदर इमेज टैग ले रहा हूँ मैं। अब ये SRC को मुझे प्रॉपर्टी बाइंडिंग के साथ बाइंड करना है। अब ये कॉल थ्री पे मैं फॉर लूप चलाऊंगा स्टार एन जी फॉर इक्वल टू लेट फाइल ऑफ अपलोडेड फाइल नेम्स ठीक है और ये जो फाइल मिल रहा है ना नाम वो मैं यहाँ पे बाइंड करता हूँ। बट अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि API को आप API के थ्रू ही आप फाइल अपलोड करते हो राइट और API क्या करता है वो फाइल को एक यूनिक नाम देके आप उनके फोल्डर में सेव करता है। सो अगर मुझे वो पर्टिकुलर फोल्डर में जो मैंने फाइल अपलोड की है वो दिखाना है राइट तो मुझे उस फाइल का यूनिक नाम मिलेगा। जैसे मैंने फेसबुक का एग्जांपल लिया कि फेसबुक पे अगर मैं फाइल अपलोड करता हूँ तो मेरे प्रोफाइल के आइकॉन पे बराबर वो फाइल दिखती है तो वहाँ पे क्या रहता है जो एक URL है वो कॉन्स्टेंट रहती है जहाँ पे मेरे सारे फाइल्स है। सो मेरे केस में ये जो URL है ये कॉन्स्टेंट है। ओके सो इसको मैं एक वेरिएबल में होल्ड करता हूँ फाइल URL कोलन स्ट्रिंग इज इक्वल टू ये मेरी कांस्टेंट URL होगी ठीक है
इसके बाद ये कस्टमर के बाद मुझे क्या करना है, सिर्फ मेरा फाइल नेम देना है, दिस प्लस दिस। सो अभी मेरा क्या हो गया, ये कॉन्कटेनेशन हो गया, मतलब ये यूआरएल, उसके बाद जो फाइल का नेम आएगा वो। ठीक है, अभी सेव करके चेक करते हैं। ठीक है, अभी पहली फाइल सिलेक्ट करता हूँ मैं, ये येलो वाला, कंटिन्यू। ओके, हमने चेक लगाया, चेक को बढ़ा देते हैं, 6 की जगह 9 कर देते हैं। ठीक है, पहली फाइल सिलेक्ट किया मैंने, ओपन, कंटिन्यू। ठीक है, रिस्पांस में आया मुझे ये फाइल नेम, इसको मैंने मेरे फाइल ना अपलोडेड फाइल नेम वाले अरे में पुश किया। ठीक है, कंटिन्यू, तो देखो मुझे फाइल नेम मिला। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हाइट एंड विड्थ अप्लाई करते हैं, टाइल हाइट, लेट्स से हाइट 200 पिक्सल करते हैं और विड्थ 100%। ठीक है, अब मेरा फिर से पेज रिलोड होगा तो ये अरे फिर से इनिशियलाइज होगा। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये दिखा रहा हूँ कि अपलोड की हुई फाइल कैसे दिखाता है। आपके केस में आपका लेट से कस्टमर का इंफॉर्मेशन सेव किया तो आपको कस्टमर के गेट में फाइल का नाम मिलेगा। लेट से फाइल सिलेक्ट किया, कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, ये एक पहला फाइल मिला, फिर से दूसरी फाइल सिलेक्ट करता हूँ, ये फाइल सिलेक्ट किया मैंने, कंटिन्यू कंटिन्यू, उसको भी पेश किया, देखो दूसरा फाइल मिला। सो ऐसे हम नॉर्मली जो अपलोडेड फाइल है वो ऐसे दिखाते हैं। तीसरी फाइल कंटिन्यू, जो रिस्पांस आया वो अरे में पुश किया, तीसरी फाइल देखी, राइट। सो फाइल अपलोड करना, उसके साथ फाइल टाइप का चेक लगाना और उसके बाद साइज का भी चेक लगाना और अपलोडेड फाइल ऐसे दिखाता है। अब यहाँ पे और एक थोड़ा सा चेंज था कि मैंने क्या किया, ये जो वेरिएबल, ये मेरी यूआरएल थी, ये यहाँ पे वेरिएबल में फिक्स की, इसके जगह अब मैं इस चीज को कमेंट करता हूँ। दूसरा तरीका है यही के यही बाइंड करना। सो एक तो आप वेरिएबल में स्टोर करो या फिर ये जो कॉन्क्रीट यूआरएल है ये यहाँ पे रखो। ठीक है, उसके बाद कॉन्कटिनेशन सॉरी इंटरपोलेशन, और ये मेरा फाइल का नाम यहाँ पे जाएगा। ठीक है, सेम आउटपुट मिलेगा आपको, मतलब ये नथिंग बट कॉन्कटिनेशन ही हो रहा है ना, दो ये मेरी स्टैटिक यूआरएल और वो जो फाइल इंटरपोलेशन की मतलब फॉर लूप का जो वेरिएबल है वो बाइंड किया। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो सेम मिला, यहाँ पे मैंने स्टाइल विट नहीं लगाया इसलिए उसने फुल स्क्रीन ले ली। सो दो तरीके, एक तो वेरिएबल बनाओ, ये वेरिएबल में वो वेरिएबल में यूआर जो कांस्टेंट यूआरएल है वो रखो और आपका फाइल का नाम दो, या फिर यही यही के यही करो, सेम चीज़ है, राइट। सो फाइल अपलोड करते समय ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मशीन टेस्ट में पूछी जाती है कि फाइल, अगर आप फाइल अपलोड कर रहे हो तो आपको स्पेसिफिक फाइल का ही चेक लगाना है या स्पेसिफिक साइज का चेक लगाना है तो कैसे लगाना है, अपलोड की हुई फाइल आपको अगर कहीं पे दिखाना है तो कैसे दिखाना है, राइट। यूआरएल चेंज होगी लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। सो आपको बताते समय बताना है कि अगर मैं फाइल अपलोड करता हूँ तो एपीआई साइड से ही मुझे एक कुछ यूआरएल मिलनी चाहिए जिसको जिसके आगे मैं मेरा फाइल का नाम डालूंगा तो मेरी फाइल वो दिखेगी इमेज टैग में। इमेज टैग में दिखाते वक्त आप एक तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इंटरपोलेशन के साथ कॉन्कटिनेशन करके दिखा सकते हो। सो दीज आर द टू वेज बाय विच वी कैन शो द फाइल्स इन द इमेज टैग, राइट।